महाराष्ट्र कांग्रेस का आज 20 अक्टूबर को होने वाले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रद्द हो गई है। इसमें विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना था। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस कैंडिडेटों की पहली लिस्ट आनी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाले कांग्रेस सीईसी की बैठक टाल दी गई है, लेकिन अब ये बैठक कल शाम 5 बजे होगी। बताया जा रहा है कि नाराज राहुल गांधी के नहीं पहुंचने से यह बैठक रद्द करनी पड़ी है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पैंच फंसा हुआ है। एक दिन पहले 19 अक्टूबर को भी मुंबई के एक होटल में 6 घंटे तक बैठक चली थी और देर रात में खत्म हुई थी। इससे पहले 16 अक्टूबर को दिल्ली में महाराष्ट्र चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई थी। वहीं कांग्रेस से नाराज उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान भी सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आगे बहुत कुछ बोलना है। आपको बता दें कि कांग्रेस को हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सहयोगियों ने भी तंज कसा और बहुत कुछ नसीहत भी दे दी थी। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सावधानी से कदम उठाती दिख रही है। कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी से अधिक सीटें मांगते हुए संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। यह भी सुनिश्चित कर रही है कि उनका महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन बरकरार रहे। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह हरियाणा में की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ऐसे राज्य में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती जहां उनका दलित मुस्लिम वोट का आधार मजबूत है और जहां उसने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में 13 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में काम करने की जिम्मेदारी दिए गए एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, महाराष्ट्र में हमारी समस्याएं हरियाणा से अलग हो सकती है क्योंकि हमारे पास भूपेंद्र हुड्डा जैसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो वहां अभियान संभाल रहे थे, लेकिन सहयोगी दलों को खुश रखने के साथ साथ सीट बंटवारे पर दृढ़ रहना भी महत्वपूर्ण है। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना यूबीटी उन सहयोगी दलों में शामिल थी जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस को और अधिक समान योज होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य कांग्रेसी नेता ने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कार्यकाल महाराष्ट्र चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, बैठकों के दौरान एक बात पर चर्चा हुई है कि हम चीजों को हरियाणा की तरह नहीं होने दे सकते। महाराष्ट्र में पार्टी और विशेष रूप से इच्छुक उम्मीदवारों के प्रबंधन में अधिक शामिल होना चाहिए। हरियाणा में बागी उम्मीदवारों ने कांग्रेस को काफी परेशान किया। वे निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़े, नतीजन इसका असर देखने को मिला। कई सीटों पर पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की हार के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उन्होंने उनके वोट काटे। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। राज्य में 20 नवंबर को सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।